my name is Ila and welcome back to Her Fab Way. And to watch this video in English, please switch on the subtitles. So, aaj's video is one of the most requested video on this channel. Maine around 2 years back review kiya tha Dyson V11 Absolute Pro Cordless Vacuum Cleaner, jiska price tha pure 50,000. सुना टू बी प्रिसाइज 57,900. नाउ आई नो कि ये एक बहुत ही पावरफुल वैक्यूम क्लीनर है, बट येस फॉर मोस्ट ऑफ अस ये बजट फ्रेंडली नहीं है. आप में से काफ़ी लोगों को ये प्राइस ही लगा एंड देन मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, कि मैं एक बजट फ्रेंडली कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ. एंड ट्रस्ट मी, लास्ट 2 ईयर्स में मैंने इतने कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर्स ट्राई करे हैं, पर या तो कोई इनफ पावरफुल नहीं था या किसी का रन टाइम बहुत कम था. सो आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च आई फाइनली फाउंड the right budget friendly cordless vacuum cleaner for you, which is Agaro Supreme Cordless Stick Vacuum Cleaner. मैं इस वैक्यूम क्लीनर को लास्ट 2 मंथ से एक्सटेंसिवली यूज़ कर रही हूँ एंड इसकी परफॉर्मेंस देख के आई गॉट सो कॉन्फिडेंट कि इसका रिव्यू तो आपके साथ शेयर करना ही है. सो हियर इज़ द फ्लो ऑफ द वीडियो. हम इसकी परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस, प्राइसिंग, इवन इट्स फ्लॉज सब डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डायसन के सामने कहाँ स्टैंड करता है उसका कंपैरिजन भी हम इस वीडियो में देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर्स यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं. इनका सबसे बड़ा बेनिफिट है इनकी मोबिलिटी. रेगुलर वैक्यूम क्लीनर्स को हर रूम में ले जाकर प्लग इन करो, कभी वायर छोटी पड़ रही है तो एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ करो एंड जिन स्पेसेस में जनरली सॉकेट्स होते ही नहीं है, जैसे कि स्टोर रूम्स, बालकनीज, कार पार्किंग, तो वहाँ तो हम रेगुलर वैक्यूम क्लीनर्स को यूज़ ही नहीं कर पाते. बट कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर्स के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है. बस उनको चार्ज कर लीजिए, फिर आप उनको कहीं भी कैरी करके क्लीनिंग कर सकते हैं. एनी रूम, बालकनी, लॉफ्ट, इवन पार्किंग में जाकर अपनी कार क्लीन कर सकते हैं. ऑल्सो माई इन लॉज लिव क्लोज बाय, सो मैं उनके घर ये कैरी करके उनके सोफाज एंड ऑल भी वैक्यूम कराती हूँ. So that's the benefit of using cordless vacuum cleaners. Easy to carry and super easy to use. Let's unbox this vacuum cleaner. ये है extension tube, motorized brush, mattress brush, extra filter, user manual and warranty card, charger, crevice tool, 2-in-1 multi-purpose tool, docking station and vacuum head. Docking station के साथ आपको required screws and double-sided stick-on pads भी मिलते हैं. इनको यूज़ करके आप इजीली अपना डॉकिंग स्टेशन इंस्टॉल कर सकते हैं एंड सी इट्स रेडी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फीचर्स. Agaro Supreme इज अ 400 वॉट वैक्यूम क्लीनर विद रिचार्जेबल 2000 mAh बैटरी. ये सभी सर्फेसेस को एफर्टलेसली क्लीन कर देता है. वैक्यूम हेड के टॉप पर है LED इंडिकेटर लाइट्स एंड सक्शन एडजस्टमेंट बटन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज लाइट्स. ये जो लाइट्स हैं ये 2 चीज़ें इंडिकेट करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो कलर है वो सक्शन मोड इंडिकेट करता है, ब्लू फॉर लो सक्शन, पर्पल फॉर मीडियम सक्शन एंड रेड फॉर हाई सक्शन. एंड नंबर ऑफ लाइट्स इंडिकेट करती हैं कि इसमें कितनी बैटरी रिमेनिंग है, जस्ट लाइक आर सेल फोन्स. फुल बैटरी, मीडियम बैटरी एंड लो बैटरी. फॉर एग्जाम्पल दिस मीन्स कि बैटरी लो है एंड इको मोड ऑन है. दिस इज लो बैटरी मीडियम मोड एंड लो बैटरी बूस्ट मोड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स ट्रिगर बटन. इफ यू रिमेम्बर डायसन में हमें क्लीनिंग करते टाइम ट्रिगर बटन हमेशा प्रेस करके रखना पड़ता था, बट Agaro में ऐसा नहीं है. क्लीनिंग करते टाइम आपको ट्रिगर बटन को ऐसे प्रेस करके रखने की नीड नहीं है. सिर्फ इसको एक बार प्रेस कर दीजिए और उसके बाद वो कंटिन्यूसली वर्क करेगा एंड उसको स्टॉप करने के लिए सिंपली प्रेस द ट्रिगर बटन अगेन. अनदर ग्रेट फीचर इज LED लाइट्स ऑन मोटराइज्ड ब्रश. जिन कॉर्नर्स में लिमिटेड लाइट होती है आप वहाँ भी डर्ट देख सकते हैं और उसको क्लीन कर सकते हैं. दिस आई थिंक इज एन अमेजिंग फीचर.
देन इसका मोटराइज्ड ब्रश फ्लेक्सिबल है, दिस वे आप इसको 270 डिग्रीज तक रोटेट कर सकते हैं। दिस मेक्स आवर क्लीनिंग मच इजियर। ऑल्सो फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले इसको कम्प्लीटली चार्ज जरूर कर ले, इट विल टेक अराउंड 5 hours। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स अटैचमेंट्स एंड डेमो। सभी अटैचमेंट्स को आप डायरेक्टली वैक्यूम हेड पर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एक्सटेंशन ट्यूब यूज करनी है तो उसमें भी आप ये सारे अटैचमेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मैट्रेस ब्रश। इन ब्रिसल्स की वजह से सरफेस पे डिपॉजिटेड डर्ट भी इजीली रिमूव हो जाती है। इसका सीसॉ माउथ भी बहुत स्मार्टली डिजाइंड है, इससे हम अपने सोफास के कर्व्ड कॉर्नर्स भी इजीली वैक्यूम कर पाते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अपहोल्स्ट्री क्लीनिंग। डस्ट, हेयर स्ट्रैंड्स, पेट हेयर, सभी को ये क्विकली क्लीन कर देता है। देखिए इन सोफा चेयर्स का जो बैकरेस्ट है वो कर्व्ड है, बट स्टिल हम उनको कितना कन्वीनियंटली क्लीन कर पा रहे हैं। ये ब्रश ट्रूली वर्सेटाइल है एंड आई यूज इट ऑल अराउंड द हाउस फॉर ऑल अपहोल्स्ट्री क्लीनिंग। कर्व्ड हो या टेक्सचर्ड, दिस ब्रश विल वर्क ऑन ऑल द सर्फेसेस। इस ब्रश को आप कारपेट्स और मैट्स क्लीन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। देन अगर मैट्रेस कवर्स रिमूवेबल हो तो हम उनको मशीन में वॉश कर ही लेते हैं, बट मैट्रेस को क्लीन करने के लिए आप यही ब्रश यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रेविस टूल, जो कि स्मॉल और नैरो स्पेसेस को क्लीन करने के लिए यूज होता है। सोफा सीट्स के साइड में जो थिन स्पेस होती है, ओवर द टाइम वहां भी डर्ट, पेट हेयर, फूड क्रम्स ये सब कलेक्ट हो जाते हैं, तो उन नैरो स्पेसेस को क्लीन करने के लिए ये क्रेविस टूल परफेक्ट है। You will be surprised to see the efficiency and results of using this tool. Now, let's talk about this 2-in-1 multipurpose tool. इस टूल को आप with or without bristle set use कर सकते हैं। जो भी surfaces smooth नहीं होती, textured होती हैं, उनको clean करने के लिए ये tool magically work करता है। चाहे वो आपकी jute laundry basket हो या फिर mesh doors। इस टूल को आप मल्टीपल वेज में मल्टीपल सर्फेसेस पे यूज कर सकते हैं। इस टूल से आप ब्लाइंड्स क्लीन कर सकते हैं एंड इवन कॉबवेब्स भी रिमूव कर सकते हैं। इट्स एर्गोनॉमिक डिजाइन मेक्स इट मोर एफिशिएंट। ड्रॉर्स, कैबिनेट्स, बेड बॉक्स, इन सभी की क्लीनिंग के लिए भी यही टूल सबसे ज्यादा यूज होता है। Finally, let's talk about motorized brush. It has LED lights, soft roller and flexible head. Floor को clean करने के लिए ये हमारी brooms का एक much better replacement है. हमारे घर में दो pet हैं, तो आपको हर corner में pet hair मिल ही जाएंगे. बट ये वैक्यूम क्लीनर उन सभी कॉर्नर्स को क्लीन कर देता है एंड इट रियली हेल्प्स अस टू मेंटेन आ होम। एंड ऑफ कोर्स सेक्लूडेड एरियाज की क्लीनिंग के लिए एलईडी लाइट्स बहुत हेल्पफुल रहती हैं। इन ऑल ये एक थॉटफुली डिजाइंड बजट फ्रेंडली कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है, जो हमारे लिए डेली क्लीनिंग बहुत ही इजी एंड कंफर्टेबल बना देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू क्लीन एंड मेंटेन इट। बिन एम्प्टी करने के लिए रिलीज बटन को आगे स्लाइड करिए और फिर डस्ट कप को अनलॉक कीजिए। डेली क्लीनिंग के बाद बिन को एम्प्टी करना इनफ है, बट अगर आप इसको डीप क्लीन करना चाहते हैं तो हेयर इज द प्रोसेस। डस्ट कप को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके रिमूव कर सकते हैं एंड देन हम इसके बाकी के पार्ट्स भी रिमूव कर लेंगे।
एज यू कैन सी ये फिल्टर बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया है, तो इसको कैसे क्लीन करते हैं इसका प्रोसेस मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी, बट इन द मीन टाइम आप एक्स्ट्रा फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। डस्ट कप को क्लीन करने के लिए और बाकी पार्ट्स को भी क्लीन करने के लिए मैं ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ। सभी पार्ट्स क्लीन हो गए हैं तो अब हम इनको वापस असेंबल कर लेंगे। एंड नाउ इट्स रेडी टू बी यूज्ड अगेन। मैट्रिक्स ब्रश को क्लीन करने के लिए हम उसको साइड से अनलॉक कर लेंगे एंड ब्रिसल्स रोलर को पुल आउट कर लेंगे। इनमें जनरली हेयर स्ट्रैंड्स टैंगल्ड होते हैं तो उनको आप सिर्फ हैंड से, सीजर्स से या इवन सीम रिपर यूज करके रिमूव कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद उसको वापस अटैच कर लें। मोटराइज ब्रश में भी जनरली हेयर स्ट्रैंड्स ही टैंगल हो जाते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए उसके बॉटम में एक क्लिप है, उसको अनलॉक करके रोलर को निकाल सकते हैं और उसको भी हम बहुत इजीली क्लीन कर सकते हैं। वंस यू आर डन जस्ट अटैच इट बैक। अब हम देखेंगे कि ये फिल्टर कैसे क्लीन करना है, तो उसके लिए आप कोई भी सॉफ्ट ब्रश ले लीजिए। जस्ट मेक श्योर कि वो क्लीन हो और उससे फिल्टर की काफी डस्ट रिमूव हो जाएगी। बट अगर आपका फिल्टर बहुत डर्टी हो जाए तो आप एक छोटा सा प्रोसेस और कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी कंटेनर में ल्यूकवॉर्म वाटर लीजिए और उसके अंदर हम थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू ऐड करेंगे, उसको प्रॉपरली मिक्स कर लें और अब इस सॉल्यूशन में हम इस फिल्टर को डिप कर देंगे। लेट इट रिमेन एज इट इज फॉर 5 मिनट्स। सी, सारी डस्ट फिल्टर से निकलकर सॉल्यूशन में आ गई है और हम इसको स्क्वीज कर लेंगे ताकि एक्सेस सोपी वाटर रिमूव हो जाए। उसके बाद हम इसको प्लेन ल्यूकवॉर्म वाटर में फिर से वॉश कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी सोप रेसिड्यू ना रहे। इस तरह से हमारा फिल्टर कम्प्लीटली क्लीन हो जाता है। बट यस, इट्स डेलिकेट, तो हम ये प्रोसेस वंस इन 6 मंथ्स ही कर सकते हैं। वॉश करने के बाद जस्ट लीव इट फॉर ड्राइंग। फिल्टर को ड्राई होने में इजिली 24 आवर्स से भी ज्यादा लग जाते हैं एंड आफ्टर इट्स कम्प्लीटली ड्राई उसके बाद ही इसको वैक्यूम क्लीनर में यूज कीजिए। सो हमने अगारो सुप्रीम की परफॉर्मेंस, फीचर्स सब कुछ देख लिया एंड नाउ इट्स टाइम फॉर इट्स कंपैरिजन विद डाइसन V11 एब्सोल्यूट प्रो। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हाउ डाइसन इज बेटर। सी, डेफिनेटली डाइसन ज़्यादा पावरफुल है, इट हैज़ मोर रन टाइम एंड कुछ एक्सेसरीज हैं जो डाइसन और अगारो में कॉमन है, बट उसके अलावा ये कुछ अटैचमेंट्स हैं जो आपको सिर्फ डाइसन के साथ ही मिलती हैं। विच आर मिनी सॉफ्ट डस्टिंग ब्रश, स्पेसिफिक टूल फॉर मैट्रिक्स क्लीनिंग, निकल टॉक ड्राइव, अप टॉप अडाप्टर, एक्सटेंशन होज एंड वॉन स्टोरेज क्लिप। देन डायसन में LCD स्क्रीन है जिसके अंदर रियल टाइम नोटिफिकेशंस, वैक्यूम मोड, रिमेनिंग रन टाइम सब डिस्प्ले हो जाता है। बट अगारो में ये लाइट्स हैं जो सक्शन मोड एंड रिमेनिंग रन टाइम इंडिकेट करती हैं। इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पे तो डायसन बेटर है, पर अब हम बात करेंगे द एडवांटेजेस ऑफ गोइंग फॉर अगारो ओवर डायसन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा फैक्टर है प्राइस। लाइक आई सेड, हमने डायसन लिया था फॉर अराउंड 57,000 एंड अगारो सुप्रीम अवेलेबल है फॉर ओनली 15,000। जस्ट लुक एट द प्राइस डिफरेंस, 57,000 एंड 15,000। सेकेंडली, इफ यू रिमेंबर, जब मैंने डायसन का रिव्यू किया था तो मैंने उसके अंदर ये बोला था दैट इट्स अ लिटिल हैवी ऑन हैंड्स एंड अगर हम दोनों ही वैक्यूम क्लीनर्स का सिर्फ हेड वे करें तो डायसन का वेट है अराउंड 1900 ग्राम्स एंड अगारो सुप्रीम का अराउंड 1450 ग्राम्स, विच मीन्स कि अगारो सुप्रीम अराउंड 500 ग्राम्स लाइटर है तो हम उसको ज़्यादा कंफर्टेबली यूज कर पाएंगे। देन लाइक आई सेड अर्लियर, अगारो के मोटराइज्ड ब्रश में LED लाइट है जिसकी वजह से हम लिमिटेड लाइट में भी डर्ट देख सकते हैं और उसको क्लीन कर सकते हैं, बट डायसन V11 में ये लाइट नहीं है। एंड फाइनली आता है ट्रिगर बटन। अगेन लाइक आई सेड अर्लियर, डायसन में आपको क्लीनिंग करते टाइम हमेशा ट्रिगर बटन को होल्ड करके रखना पड़ता है, बट अगारो सुप्रीम में ऐसा नहीं है। एक बार बटन प्रेस करके रखिए एंड इट विल रिमेन ऑन एंड ऑफ करने के लिए वापस उसको प्रेस कर दीजिए। दिस वे अगारो सुप्रीम को यूज़ करना और भी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। तो अब हमने दोनों ही वैक्यूम क्लीनर्स का कंपैरिजन कर लिया है एंड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव ऑल्सो समराइज्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन इन दिस टेबल।
ऑल्सो गाइज, आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर, ये दोनों ही वैक्यूम क्लीनर्स सिर्फ ड्राई क्लीनिंग के लिए ही डिजाइंड है, कोई भी स्पिलेज को क्लीन करने के लिए आप इनको यूज नहीं कर सकते। नाउ इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन। अगर अगारो सुप्रीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो इट्स ट्रूली वेरी इम्प्रेसिव। हमने डेमो में डिटेल में देखा कि इसने सभी सर्फेसेस को कितना एफिशिएंटली क्लीन किया। पर कारपेट क्लीनिंग कैन बी बेटर। इसको यूज करते टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया कि जो भी डर्ट कारपेट के टॉप पर थी उसको तो इसने अच्छे से क्लीन कर दिया, बट जो डर्ट कारपेट में एम्बेडेड थी उसको क्लीन करने में ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, बट अदरवाइज इट्स अ ग्रेट वैक्यूम क्लीनर एंड टोटली वर्थ द प्राइस। सो अगर आप भी एक बजट फ्रेंडली कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर लेना चाहते हैं देन आई विल हाईली रिकमेंड दिस। इट हैज बेस्ट इन क्लास फीचर्स, हैज सफिशियंट रन टाइम एंड इज वेरी कंफर्टेबल टू यूज। सो अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं या फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए डू चेक आउट द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। आपको इस वैक्यूम क्लीनर का सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हर फैब्रिक। बाय।